देश भर में अभी गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जा रहा है और इस अवसर को भव्य रूप में आयोजित किया जा रहा है। इस बार भारतीय बाजारों में हर साल की तरह अलग अलग कॉन्सेप्ट बेस्ड मूर्तियां बनाई गई हैं। ऐसी ही एक मूर्ति काफी सुर्खियां बटोर रही है और इस मूर्ति की बनावट और साज सज्जा में इस्तेमाल चीजों का ताल्लुक लड़कियों के हाइजीन और हेल्थ से जुड़ा हुआ है। दरअसल मध्य प्रदेश के महू में लोगों की सोच बदलने के लिए एक गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ ने नई पहल की शुरुआत की है। यहां भगवान गणेश की मूर्ति के दोनों हाथों में सैनिटरी नैपकिन पकड़ा दिया गया है। इसके माध्यम से उस बात पर जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है कि महामारी की बात को स्वीकारें और इस दिशा में जागरूकता के लिए काम करें। अनिवार्य नाम का ये एनजीओ बदलाव के साथ जागरूकता की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। गणेश चतुर्थी के पावन मौके पर इस संस्था ने भगवान गणेश की एक खास मूर्ति तैयार करवाई जिसमें उनके दोनों हाथों में सैनिटरी नैपकिन पकड़ाए गए। इस मूर्ति को एनजीओ ने अपने कार्यालय में स्थापित कराया ताकि लोग मासिक धर्म स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक हो सकें। बताया जा रहा है कि ये एनजीओ पहले भी मासिक धर्म स्वच्छता के प्रसार पर काम करता रहा। ये एनजीओ साल 2020 के बाद से अब तक संगठन करीब 20 लाख सैनिटरी नैपकिन बांट चुका है। हाल ही में एक रिसर्च में ये बात सामने आई थी कि शहरी क्षेत्रों में गरीब घरों की लड़कियां मासिक धर्म के दौरान जरूरत की उचित स्वच्छता सुविधाओं से वंचित रहती हैं, जिसमें हर दो में से एक लड़की अपने मासिक धर्म के दौरान पैसे की कमी की वजह सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल नहीं कर पाती। वैसे इन बातों पर जागरूकता फैलाना वाकई एक नेक काम है, मगर यहां आज सांप्रदायिक और धार्मिक सद्भावनाओं पर आ रही है। हमारे यहाँ आज भी इसे अपवित्र माना जाता है और ऐसे में इस मूर्ति का सामने आना मुद्दे को और भी गंभीर बनाता है।